जैसे आप सबको पता है कि हमारी समर वैकेशन शुरू हो चुकी है और बच्चे अपने मतलब के इन्जॉयमेंट करने के लिए अपने फैमिलीज के घर चले जाते हैं, तो भी हम लोग यहाँ पे इन्जॉय वगैरह करने आए हैं होटल में, और जैसे ही आए हम लोग वैसे ही हैं और बस रेडी होने लगे थे। तो मैं अपना हेयर टॉय शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपने बाल कैसे स्ट्रेट करती हूँ। लेट्स से स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को बीच में से हाफ करना है और हमने इसको कर लेना है आगे, ठीक है, और जो भी हाफ बचे ना उनको कर लेना है हमने पीछे करके ना, तो बांधने ताकि इजी हो जाएगा स्ट्रेट करने में बाल। जैसे आप बोलते हैं बाल काफ़ी माशाल्लाह से लंबे हैं तो उसको बहुत टाइम लगेगा करने में स्ट्रेट। तो पहले इसको ब्रश करते हैं। बालों को ब्रश कर लिए और स्ट्रेटनर बिल्कुल हमने हाई पे किया हुआ है, आपको शायद नजर आ रहा हो, ये सबसे लो है और ये सबसे हाई है। एक मिनट है जब अपने बाल को इसी गंदी चीज़ लेके आए, तो मैं एक ट्रिप लेके आई हूँ ताकि ना मेरे जो बाल है ना इसी में टिक जाए, तो सिल्की भी आपको नजर आ रहे होंगे कितने हैं, टिकते भी नहीं। ये तो मैंने अपने बालों को कर लिया टाई और यहाँ से भी करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल रोड के पास से शुरू नहीं करती क्योंकि मेरे बाल डैमेज हो जाते हैं, तो मैं इसको पकड़ूँगी ऐसे और ऐसे करूँगी ब्रश के साथ साथ। गर्ल्स आपको इसे नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैं सुबह बालों को शैम्पू किया था, तो मैंने इस बालों को ना उधर ब्रेड बना दी, तो इसीलिए मेरे बाल अभी हो रहे हैं, ये हो गए बिल्कुल स्ट्रेट। बाल ना यहाँ से फिर ना मुड़ जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं, तो फिर वापस ना टाइम होता है वो फिर लगता है आने पर वापस। साइड टर्न करके आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए अब मेरे हो चुके हैं हाफ और ऑलरेडी स्ट्रेट। आपके जो एक दो सेकंड था मेरे लिए तो पूरा आधा घंटा लगे मुझे हाफ और स्ट्रेट करने में। और देखिए मेरे बाल स्ट्रेट इतने सिल्की हो जाते हैं, फिर अब मुझे करना है अपना लेफ्ट साइड पर, मिलते हैं लेफ्ट साइड करने के बाद। सो गाइस अब मेरे बाल फाइनली हो चुके हैं सारे स्ट्रेट, आप देख ही सकते हैं। तो अब बस मैं ब्लॉग में इसलिए एंड करती हूँ कि मेरे पसीने से पूरा हाल हो रहा है। अब मैं जाती हूँ बाहर ए सी रूम में, थोड़ा सा सेट होती हूँ, फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, फिर आपको इस वीडियो का ब्लॉग भी मिलेगा मेरा, ठीक है। हमें ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।